अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप स्टूडेंट हैं, या फिर आप प्राइवेट किसी भी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, तो आप इस सभी के साथ साथ भी वर्क फ्रॉम होम पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हो, जिसके बाद आप एक अच्छी सैलरी उठा सकते हो। वर्क फ्रॉम होम पार्ट टाइम जॉब की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें जितना वर्क करेंगे उतना ही अच्छी सैलरी आप उठा सकते हैं। इसमें अप्लाई करने के लिए इसमें कोई भी फीस आपको नहीं देनी होगी, यह बिल्कुल फ्री है। इसमें कोई भी इंटरव्यू नहीं कराया जाएगा, कोई एग्जाम नहीं कराया जाएगा, ना ही इसके हाई क्वालिफिकेशन इसमें मांगी जाएगी, ना ही कोई एक्सपीरियंस आपको देनी होगी। सभी फ्रेशर कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, मेल हो या फिर फीमेल, इस पार्ट टाइम जॉब में अप्लाई कर सकते हैं। ये काम आप घर बैठे आराम से कर सकते हो। इसका पूरा डिटेल इसके वेबसाइट पर आ चुका है। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, एज लिमिट के बारे में, क्वालिफिकेशन इसमें क्या मांगी जा रही है, सैलरी आपको कितने मिलेगी, एग्जाम सेंटर्स, जॉब प्रोफाइल्स के बारे में, और किस तरीके से इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, इसके बारे में पूरी डिटेल से जानकारी देने वाला हूँ। ये पार्ट टाइम जॉब निकल के आ रहा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के तरफ से, जिसे हम भारतीय विज्ञान संस्था भी कहते हैं। यह एक सरकारी विभाग है। इसमें आपको काम क्या करना है और कितनी सैलरी आपको मिलेगी, ये जॉब टेक्स्ट टू स्पीच वैलिडेशन जॉब है। यहां पर आपको क्या काम करना है ये मैं आपको अभी आगे बताने वाला हूं। पहले हम जान लेते हैं इसमें वर्क करने के लिए क्या क्या बेसिक जरूरत आपको पड़ने वाली है। तो यहां आप देख सकते हैं जॉब प्रोफाइल नेम दिया गया है टेक्स्ट टू स्पीच वैलिडेशन। अब ये क्या होता है इसके बारे में हम आपको आगे वीडियो में बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं इसमें बेसिक जरूरत क्या क्या आपको पढ़ने वाली है। तो यहां देख सकते हैं स्किल्स रिक्वायरमेंट में दिया गया है बेसिक कंप्यूटर नॉलेज एंड टाइपिंग स्किल्स। तो आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, साथ ही साथ आपको टाइपिंग का भी ज्ञान होना चाहिए। शुड बी नेटिव टू वन ऑफ द 9 लैंग्वेज, यानी 9 भाषाओं में से किसी एक भाषा की भी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। हिंदी हो, तेलुगु हो, छत्तीसगढ़ हो, बंगाली हो, कन्नड़ हो, मराठी हो, मैथिली हो, मगही हो, भोजपुरी हो, इसमें से किसी एक का नॉलेज आपके पास होना चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मस्ट हैव डियर लैपटॉप डेस्कटॉप एट होम, आपके घर में लैपटॉप या डेस्कटॉप होना जरूरी है। शुड हैव गुड इंटरनेट कनेक्टिविटीज, आपके पास एक अच्छा इंटरनेट का कनेक्शन होना चाहिए। हैव अ प्रियर वर्क एक्सपीरियंस विद स्पीच ऑडियो लिस्टिंग वेरिफिकेशन, आपके पास अच्छे सुनने की जानकारी होनी चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं जॉब लोकेशन के बारे में। दिस वर्क कैन बी डन फ्रॉम एनी वेयर, इट इज वर्क फ्रॉम होम, यानी ये काम आप अपने घर से या फिर कहीं से भी कर सकते हैं। अगला हम जानते हैं इसमें काम करने के लिए आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट कैन बी अप्लाई। तो इसमें आप अगर ग्रेजुएट हैं या पोस्ट ग्रेजुएट हैं या फिर अंडर ग्रेजुएट हैं तभी आप अप्लाई इसमें कर सकते हैं। अगर आप फ्रेशर हैं या आपके पास एक्सपीरियंस है, दोनों में से कोई भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। हाउर कैंडिडेट्स विद प्रियर एक्सपीरियंस विल बी गिविंग मोर प्रिफरेंस, यानी आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको प्राथमिकता पहले दी जाएगी। यहां पर अगला दिया है बेसिक रेम्यूनरेशन में 1000 पर 500 RDO samples, यानी कि जो टैक्स जैसे इसमें लिखा गया आपको दिया जाएगा, सेम वही चीजें RDO में बोला गया है, आपको यही काम करना है। कहने का मतलब जो टैक्स में लिखा गया है सेम वही RDO में बोला गया है कि नहीं, या फिर जो RDO उसमें दिया गया है उसमें सेम टैक्सेस लिखे गए हैं कि नहीं, यही आपको करना है इस वर्क में। अगर किसी प्रकार की कोई भी गलती समझ में आपको आती है तो उसमें आपको मार्क करना है और उसके बाद आपको इसमें सबमिट कर देना है। बस इतना सा ही आपको काम करना होता है। बस यही काम के आप 2 घंटे या 1 घंटे करके 1000 से 500 रुपये लोग कमा रहे हैं और आप भी कमा सकते हैं। अगला हम जानते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में। तो यहाँ पे जो डेटा आपको दिया गया है इसको आप सेलेक्ट करके यहाँ पर गूगल करके इसको आप हिंदी में कन्वर्ट कर लेंगे। यहाँ पर आप हिंदी में देख सकते हैं, हम ऐसे उम्मीदवार की तलाश कर रहे हैं जो बहुत सक्रिय हो और सुनने का अच्छा कौशल रखता हो, उसकी भूमिका भाषण रिकॉर्डिंग के दिए गए सेट को सुनने और उसके अनुरूप उसे मान्य करने की होगी। एक एक करके पार्ट का सेट करें, यानी जब रिकॉर्ड किया गया भाषण दिए गए पार्ट से मेल नहीं खाता है तो उस उम्मीदवार से रिकॉर्डिंग को फ्लैग करने की अपेक्षा की जाती है। जो इससे पहले आपको हमने वीडियो में बताया कि आपको मार्किंग करना है, जहां भी आपको मिस्टेक समझ में आता है उसके बाद आपको सबमिट करना है। उम्मीदवार को दिए गए कार्य के प्रति नियमित होना चाहिए, आपको रेगुलरिटी यहाँ पे जरूरी है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इच्छुक उम्मीदवार को एक पायलट कार्य से गुजरना होगा, यानी आपका इसमें एक टेस्ट लिया जाएगा
और नौकरी के लिए उसका चयन तभी किया जाएगा जब वे ऐसा करेगा। अगर कार्य संतोषजनक पाया जाएगा तो ही उसका सिलेक्शन होगा। अगर आप इसके बारे में डिटेल से जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इसके वेबसाइट पर आ सकते हैं। इस वेबसाइट का लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से क्लिक करके आप इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। इस पोर्टल पर आपको आने के बाद यहाँ पर तीन डॉट दिखाई देगा, इस तीन डॉट पर आपको क्लिक कर देना है। तीन डॉट पर क्लिक करने के बाद यहाँ कनेक्ट में आपको एक ऑप्शन मिलता है ओपनिंग का, इस ओपनिंग पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ओपनिंग पर आप क्लिक करेंगे तो इसके इस वेबसाइट पर आप जाएंगे जिस तरीका से यहाँ पर इंटरफेस आपको देखने को मिलता है, और यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है टेक्स्ट टू स्पीच वैलिडेशंस पर, इस पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर एक पीडीएफ फाइल आपके सामने ओपन हो जाएगा और इसमें आपको पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा किस तरीके से इसमें स्किल्स की डिमांड की गई है, जॉब प्रोफाइल्स क्या है, जॉब लोकेशंस क्या है, आपको किन किन चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन इसमें क्या मांगा जा रहा है, इन सारी चीज़ों की जानकारी आप इसके पोर्टल पर आकर प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई नाउ पर आप क्लिक करके इसमें अप्लाई कर सकते हैं।